Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क लेकिन अगर आपका फैसला मेरे हाथ में आए तो पता नहीं अगर मेरा वो फैसला गलत हो सकता है तो ये भी आपका ये फैसला कभी गलत नहीं होगा क्या मैं उसे देखने आ जाऊं कहां तुम्हारे पास मुझे तो पहले से शक था कि तहरीम जरूर رابطہ करेगी इसीलिए कहती थी जरा ध्यान रखो ज़ैन अली का तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है कोई गैर भी किसी के साथ नहीं करे आप बुरा मत माने हालात ही कुछ ऐसे थे मेरा शौहर मेरी मौजूदगी के बावजूद किसी दूसरी औरत के ख्यालों में पड़ा रहता है दूसरी औरत नहीं है वो पहली बीवी है मेरी मोहब्बत है मेरी जिसके साथ होने वाली ज़ियादतों की सजा भुगत रहा हूं मैं I'm so glad आपने शफक से बात कर ली। I'm sure you must be feeling a lot better now, हाँ? काफी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे तो यकीन था। अब बस ज़ैन से बात करनी है। क्या बात? फ्यूचर के बारे में। हाँ। इसका मतलब आप किसी फैसले पे पहुंच चुकी हैं। Very good। कह सकते हैं। क्या मतलब? जाहिर है, उसे बात करके ही एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, और सोच भी रहा है या नहीं। एक्चुअली वो आजकल बहुत डिस्टर्ब है। तो क्या फैसला किया आपने? आपको भी बता दूं। जल्दी क्या है? आप अभी तो कुछ अरसे पाकिस्तान में हैं ना? हाँ, वो तो मैं हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपना स्टे एक्सटेंड कर सकता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप में बहुत चेंज आ रहा है। पता नहीं आ रहा है या आ चुका। खैर, आपकी बेटी कैसी है? तुम्हारे खच्चे कम हुए? सर्जन तो बहुत अच्छा है, काफी मुतमईन भी कर दिया उसने, लेकिन वो कह रहे थे कि बाहर ले जाएंगे। हाँ, जाहिर है बाहर तो ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम नाइल का खास ख्याल रखा करो। रखती तो हूँ, नहीं तो इसका ख्याल रखती हूँ, बाकी सब लोग तो अपनी अपनी जिंदगी में मगन है। शफक, ये हमारा मसला है, हौसला और जुर्रत भी हमें दिखानी होगी, दूसरे कहाँ ख्याल करते हैं। तहरीन थी ना शायद? साथी तहरीन
कोई दोस्त होगा? उसके तो सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं। इस आदमी को तो पहली दफा देखा है मैंने। कुलीग होगा पता है? कुलीग तो नहीं लग रहा था। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमिया, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदा ही खुदा ही वे, खुदा ही खुदा। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, गुस्सा आ रहा है तहरीन पे। गुस्सा क्यों आएगा? मुझे तो फिक्र हो रही है तहरीन की, पता नहीं किसके साथ घूम फिर रही थी। यार मुझे नहीं बात करनी इस बारे में, हो सकता है वो उसका कुलीग होगा। फिर भी जैन, ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं है। शफक तुम तो पीछे ही पड़ गई हो सकता है वो उसको घर रोक करने जा रहा हो। अब वो शहर है, गांव नहीं है। मुझे क्यों डांट रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि आपको फिक्र होनी चाहिए, पता नहीं पप्पू को भी पता है या नहीं। तुम चुप कर जाओ प्लीज। मैं तो चुप हो जाऊंगी जैन, लेकिन आपको इतना आजाद ख्याल नहीं होना चाहिए, शौहर हैं आप उसके। Is everything okay? क्या तुमने अभी तक जॉब से रिजाइन नहीं किया? क्या मतलब? तुमने इतनी रात को मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया? पूछना तो और भी बहुत कुछ है मुझे तुमसे, लेकिन शायद फोन पे पूछना मुनासिब नहीं है। मुनासिब और गैर मुनासिब तो बहुत कुछ नहीं है, जो तुमने मेरे साथ किया जैन वो भी मुनासिब नहीं है। और तुम, जो तुमने किया है क्या वो मुनासिब है? मैं क्या कर रही हूँ? तहरीन बस तुम ये जॉब छोड़ो और वापस आ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए जगह बची है क्या? तुम्हारी जगह वही है जहाँ थी। वो ना किसी ने ली है और ना कोई ले सकता है। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है तहरीन, जहाँ और कोई नहीं है। तहरीन तुम प्लीज वापस आ जाओ। शफक से पूछ लो उसका इस बारे में क्या ख्याल है। नहीं उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो कि मैं उससे पूछ लूं तो जरूर पूछ लूंगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है तहरीन, वो कभी मना नहीं करेगी। क्या मतलब? तुमने तहरीम को किसी गैर मर्द के साथ देखा? मैं आपने तो बात का रंग ही बदल दिया है। मुझे तो पहले से इस लड़की के तौर तरीकों पर शक था। खूब नाम रोशन कर रही माँ बाप का। मैं प्लीज। क्या प्लीज? ऐसी ही थी वो, तभी तो जैन अली को फांस लिया उसने। और जैन अली को भी तो देखो, शाबाश है भाई, अभी तक उसके निकाह में और कुछ कहा ही नहीं उससे। बहुत गुस्से में है वो। अच्छा क्या कहता है? रात को बात हुई है उनकी तहरीम से, वो उसे वापस बुलाना चाहते हैं। और क्या? वो वापस आना चाहती है। लो भाई अच्छा मजाक बना रखा है इन लोगों ने। पहले तो मिन्नतों से भी वापस नहीं आ रही थी, अब खुद बखुद आने पर तैयार हो गई, ये क्या बात हुई?
जब जैन अली उसे वापस लाना चाहते हैं तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? जैन अली पर तो उन दोनों माँ बेटी ने ऐसा जादू किया है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आता। मैं बात करूंगी अकबर अली से, ये क्या तरीका है? नहीं आने दूंगी मैं उसे वापस। तो तुम फिर वापस चली जाओगी उसके पास? मैंने यही सोचा है। ये सोच तुम्हारी गलत है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं जैन को एक चांस देना चाहती हूँ, आखिरी बार शायद आजमाना चाहती हूँ। और अगर वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस में ना उतरा फिर? उसका बच्चा है, उसकी बीवी है, तुम उनको देखकर घुट घुट कर मर जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सोनू, ऐसे ही होगा तेरे। इट्स टू लेट, हमाद के बारे में सोचो, ही सीरियस अबाउट यू। आई एम टेलिंग यू, जैन तुम्हें मायूस करेगा फिर से। क्योंकि मैं जैन से मोहब्बत करती हूँ। एक तो ये मोहब्बत वाली बात तुम्हारे दिमाग से निकलेगी नहीं। तुम जैन को छोड़कर हमाद के बारे में सोचो, हमाद से शादी कर लोगी तो उससे भी मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें? नहीं होगी, तुम जानती हो मुझे। और अगर मैंने हमाद से शादी कर भी ली तो हमेशा मुझे यही गिल्ट रहेगा कि मैंने जैन को आखिरी चांस नहीं दिया। एटलीस्ट इतना तुम डिजर्व करती है ना मेरी मोहब्बत। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत से क्या होगा तेरे? देखो, जैन तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वरना एक बार शादी नहीं करता ना। उसको सबने प्रेशराइज किया है, इसीलिए उसने की है दूसरी शादी। तुम ख्वार हो जाओगी इस मोहब्बत के पीछे। हर औरत मोहब्बत के पीछे ख्वार होगी, मैं भी हो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है। इसको ले जाओ, सुना। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि मेरी तहरीम से बात हो गई और वो वापस आने के लिए तैयार हो गई। ठीक है बेटा, हम लोगों को क्या इतराज हो सकता है, लेकिन तुमने शफक से बात कर ली है? मुझे कोई इतराज नहीं है छोटे अबू, क्या तहरीम हमारे साथ रह लेगी? जाहिर है, इसीलिए उसने वापस आने के लिए हामी भरी है। लेगी वो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं। मगर तहरीम की वापसी इस घर में एक ही शर्त पर हो सकती है। शर्त? कैसी शर्त? उसे नौलखा वापस लाना होगा इस घर में। आप फिक्र ना करें बड़ी अम्मी, वो नौलखे के साथ ही आएगी। और अगर वो नौलखा नहीं लाई तो क्या उसे तुम छोड़ दोगे? क्योंकि मुमताज उसे नौलखा लाने नहीं देगी। मैं तहरीम को किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो। वाह बेटा, क्या कहने हैं भाई तुम्हारे। मैंने और मेरी बेटी ने कितनी कुर्बानियां दी तुम्हारे लिए, और तुम अभी भी तहरीम की फिक्र में हो। यहाँ नायल में हमारी जान अटकी हुई है, लेकिन तुम्हें तो तहरीम की पड़ी हुई है। मुझे कदर है आपकी कुर्बानियों की बड़ी में। तहरीम नौलखे के बगैर नहीं आएगी। तहरीम नौलखा लेकर ही आए तो उसके हक में बेहतर है, वरना तुम्हें तहरीम और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना होगा। Are you satisfied with your decision? Well, हूँ तो नहीं, पर होना जरूर चाहती हूँ। I respect your decision. मैं आपका दोस्त हूँ, इसीलिए आपको support भी करूँगा। But I'm sure आप मेरी वजह से बहुत अजीब feel कर रहे होंगे। No, Tareem, not at all. आप मुझे पसंद हैं, इसीलिए आपसे मैंने इस बात का इजहार भी किया।
हाँ करना या ना करना तो आपका हक है। मैंने इस बात को ईगो इशू नहीं बनाया, नो हार्ड फीलिंग्स। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं हमारे। I'm sure you'll find someone who truly deserves your love. बहुत लकी होगी वो लड़की जिसे आपका प्यार मिलेगा। इश्क ही दर्द, इश्क दवा। वफा है इश्क ही बेरी, इश्क वफा है। तुम एक काम करो, मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। यहाँ मेरा बेटा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारा बेटा। तो ठीक है फिर, ऐसा है तो फिर भाड़ में गई आपकी बेटी। यार लाठी इश्क आतिश, यार लाठी इश्क आतिश। याद आ रहा है, छोड़ के क्यों आई थी? आप मुझसे हमेशा ऐसी बातें क्यों पूछती हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है? मैं सवाल नहीं कर रही, तुम्हें कुछ समझाना चाह रही हूं। जब कोई भी लड़की ब्याह के अपने घर जाती है ना, तो फिर वही उसका घर होता है। कहीं चली जाए, कहीं भी रह ले, लेकिन घर उसका ससुराल ही होता है। कहीं उसके दिल में ये ख्वाहिश भी होती है कि उसका ससुराल उसी के जैसा हो जाए। मेरी मानो, एक दफा जैन को कॉल करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा। मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं हैं। और आप क्यों बार बार मुझे ये याद दिलाती हैं कि ये मेरा घर नहीं है? बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि ये किसका घर है और किसका हक है इस घर पे। जहां तक जैन की बात रही तो मैं आपको बताती चलूं कि वो मुझे लेने आ रहा है। क्या ये इतनी बड़ी बात तुम मुझे अभी बता रही हो? पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि अब बता रही हूं ना अम्मा। बेटे, ये तो इतनी खुशी की बात है और इतने अफसरदा चेहरे से बता रही हो तुम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का। मैं तुम्हारे अब्बा को बताकर आती हूँ। हद कर दी तहरीक तुमने भी। इश्क जलावे, इश्क बुझावे आमियां। इश्क जलावे, इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचा। समय जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं लेता आऊंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना इलाज हो मेरे पास। जा रहा हूँ नायल की बड़ी मामा को लेने, बस अभी गया और अभी आया। समय चलता हूँ। बेटे ज़ैन अली, जा रहे हो? जी बड़ी मैं। चलो खैर से जाओ, खैर से आओ। अपना वादा याद है ना तुम्हें? जी। लो, आप इसे भूल गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि तहरीम से कहना नौलखा लेकर आए।
भाई बकौल उसके वो तुम्हें चाहती है नौलखे को नहीं, तो फिर नौलखे को वहां रखने का जवाब ही नहीं है, उसे तो यहाँ होना चाहिए ना। जी मैं कह दूंगा उसको, ले आएगी। चलो अच्छी बात है, खैरियत से जाओ। बेटा गाजर का हलवा तो खास तुम्हारे लिए बनवाया, तुम्हें कितना पसंद है, लिया तुमने है नहीं? पप्पो मैंने ले लिया, थैंक यू। वैसे बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तमाम इख्तिलाफात को भुला के तो आगे बढ़ने की सोची। हमारी तहरीम जरा जज्बाती है तो उसकी कोताहियां जो है वो नजरअंदाज कर दिया। हाँ क्या बातें कर रहे अंकल, आप फिक्र मत करें, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। कुरतलैन और रोहिल नजर नहीं आ रहे आज, दोनों किसी काम से गए हैं बाहर, वैसे भी टिकते कहाँ हैं दोनों घर पे। चले अंकल इजाजत दें। अरे तहरीन उसको चाय तो ढंग से खत्म करने दो। नहीं पप्पो चाय घर जाकर ही पियो, तहरीन के हाथ की। अच्छा भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, खुश रहो आबाद रहो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ मेरा बच्चा। खुदा चलो बाहर तक छोड़ के आते हैं तुम्हें, आइए। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो? कितनी अजीब सी बात है ना अम्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तहरीन वापस आ रही है, पता नहीं हम दोनों साथ रह भी पाएंगी या नहीं। बेटा तुमने खुद ही तो इजाजत दी थी, लेकिन खैर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। इतनी मुश्किल से ये सब हासिल किया है, यूं ही तो नहीं गंवाने दूंगी मैं, सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। शफक बीबी मैं नायल को दूध पिलाती थी, पता नहीं उसे क्या आ गया, वो नीला पड़ गया। अरे जल्दी आइए। क्या मतलब है? हैं? गाड़ी निकलवाओ जल्दी से, हम शहर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। I'm so happy तहरीन कि तुम वापस आ गई हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बट प्रॉमिस मी हमारे बीच में कोई भी इशूज होते हैं हम उनको खुद से सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम घर छोड़ कर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगी, एंड आई एम सॉरी। नो आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। सुनो वो तुमने नौलखा रख लिया था ना? ओ मैं ले आऊंगी। तुमने नहीं रखा? नहीं मैं कह रही हूँ मैं ले आऊंगी। कब ले आओगी तहरीन, कितने अरसे से तो वो पप्पो के पास है, वो वापस दे क्यों नहीं देती है? मैंने तुमसे कहा भी था कि रख लेना, मुझ पर बहुत प्रेशर है तहरीन, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मुझे लेने आए थे या नौलखा लेने आए? मैं नौलखा भी लेने आया था। तो मैं कह रही हूँ वो आ जाएगा। कब आएगा? यही सुनता आ रहा हूँ कि अब आएगा तब आएगा, लेकिन कब आएगा तहरीन? What do you mean, Zain? कल तक तुम कह रहे थे कि तुम्हें नौलखा नहीं चाहिए और आज? लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें नौलखा चाहिए। तू मेरे साथ वापस भी इसीलिए आई, वो बड़ी अम्मी मुझसे ठीक कह रही थी। मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें हेलो कहां कब तुम लोग नाइल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूं। ओके क्या हुआ नाइल को, मैं भी चलती हूं तुम्हारे। नहीं मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूं फिलहाल,
अभी नहीं ले जा सकता, बाद में लेके जाऊंगा। मुझे घर नहीं जाना ज़ैन, मैं चलती हूँ हॉस्पिटल तुम्हारे साथ। तहरीन मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ अभी, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो? तुम एक काम करो, मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खोलो दरवाजा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मुझे तुमसे इस जहालत की कतई उम्मीद नहीं थी ज़ैन। मेरी बेटी को तुम बीचों बीच सड़क पे छोड़ के चले गए, जरा सा एहसास नहीं किया तुमने? अगर ऐसे ही करना था तो लेने क्यों आए थे? पप्पा मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, इस वक्त मैं नहीं। बात तो अभी होगी, अभी के अभी। आप लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है, यहाँ मेरा बेटा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारा बेटा। तो ठीक है फिर, ऐसा है तो फिर भाड़ में गई आपकी बेटी। ज़ैन क्या है, बकवास कर रहा था? जब मैंने तुम्हें कहा था कि नौलखा भिजवा दो तो उस वक्त तुमने क्यों नहीं भिजवाया? तुड़वा लिया ना अपनी बेटी का घर। आपको सिवाय इस बात की कुछ और समझ नहीं आती? क्यों क्यों दे देती नौलखा ताकि नूरजहां उस पे कब्जा जमा के बैठ जाती? तो देख लिया उसका नतीजा। अरे बस कर दें आप लोग यार, खत्म करें इस बात को। नौलखा होता या नहीं होता, उसने यही सब कुछ करना था। उस बगैरत को इतनी शर्म नहीं आई कि उसको इस हाल में इधर उतार के चला गया। थोड़ी सी भी गैरत होती ना उसके अंदर तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मैं तो तंग आ गया उस रोज रोज के ड्रामे से। बस करें आप लोग, खत्म करें इस बात को। खत्म तो हो गया ना, अब अगर वो आएगा भी तहरीम को लेने के लिए तो उसके साथ में उसे नहीं भिजवाने वाला। बहुत हो गया तमाशा। आपको तो और कुछ? खामोश हो जाओ तुम मुमताज, तुम्हें नौलखा चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, मुबारक हो तुम्हें। बेटी की जिंदगी से तुम्हें क्या लेना देना? डॉक्टर्स के मुताबिक सर्जरी जल्द से जल्द करने की जरूरत है, लेकिन खर्चात लाखों में होंगे। कुछ भी करें ज़ैन, मेरे बच्चे को बचाएं प्लीज। शफक तुम हौसला करो, मैं कुछ करता हूँ। देखो तुम अंदर अली से बात करो, उनसे कहो हम जायदाद के मामला बाद में निपटा लेंगे, अभी पैसे तो दे दें ताकि हम बच्चे का अच्छे तरीके से इलाज करवा सकें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहेंगे। मैं बाबा से नहीं नहीं अकबर अली से बात नहीं करना, देखो पहले से दिल पकड़े बैठा है। तुम अनवर अली से कहो वो दे देंगे पैसे, उन्होंने वादा किया था। बात तो करनी पड़ेगी, इतना मामला उन्होंने लटका दिया कि हम अपने पैसे मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं। ज़ैन मेरे पास कुछ पैसे हैं। शफाक हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, बड़ी अम्मी हमें कुछ पैसे बैकअप में भी रखने होंगे, पता नहीं बड़े अबू कितने पैसे देते हैं कितने नहीं। अच्छा मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, वो दे देंगे इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो। शफाक तुम्हें थोड़ी देर यहाँ हॉस्पिटल में अकेले रहना पड़ेगा, मैं बड़ी अम्मी को घर लेके जा रहा हूँ, तुम ये फाइल रखो। वैसे हम अभी आते हैं, जा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ। कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा,
मुमकिन है कि अगर ये ऑपरेशन ठीक ना हुआ तो दूसरा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑपरेशन तो करना ही है। फिर इंतजार किस चीज का है? ऑपरेशन करवा। पैसे नहीं है मेरे पास। यार डाटी इश्क आतिश, यार डाटी इश्क आतिश। अरे भाई आप लोग कहाँ हैं? मैं किस वक्त से फोन कर रहा हूँ, सब खैरियत तो है? और नाइल कहाँ है? नाइल हॉस्पिटल में है बाबा, उसकी सर्जरी होनी है। सर्जरी होनी? फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वो। अल्लाह ताला हमारे नाइल को जल्द से जल्द ठीक कर दे। ज़ैन अली तुम जाओ और बड़े अबू से पैसों का कहो, उनसे कहो जल्दी इंतजाम करें, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जी मैं जाता हूँ। ये हुआ क्या है? आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? बता देते, बस दुआ करें सब अच्छा हो, खैरियत हो। बड़े अब्बू, ज़ैन अली आओ। नायल कैसा है? बस उसकी हालत ठीक नहीं है, पल पल में उसका सांस उखड़ जाता है, समझ ही नहीं आता क्या करूं। डॉक्टर क्या कहते हैं इलाज के बारे में? डॉक्टर्स कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुमकिन है कि अगर ये ऑपरेशन ठीक ना हुआ तो दूसरा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑपरेशन तो करना ही है। फिर इंतजार किस चीज का है? ऑपरेशन करवा। पैसे नहीं है मेरे पास। कितने पैसे चाहिए हो? 50 लाख तो लगेंगे। 50 लाख? जी। ये 50 लाख और ही चाहिए होंगे? अभी 20 लाख से काम चल जाएगा, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं तो फिर बाकी पैसों की जरूरत भी पड़ेगी। ये ज़ैन अली, मैं तुम्हें अभी 20 लाख रुपए दे रहा हूं, ओके? अब बाकी बड़े अब बाकी भी हो जाएगा। असल में अभी मैं हिसाब ही कर रहा था और इत्तफाक से 20 लाख रुपए ही थे मेरे पास। तो अभी फसल कटेगी तो पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। हमारे लिए नाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम देखना अल्लाह क्या करेगा। तुम उसका फौरन ऑपरेशन कराओ, बाकी पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। चलो। थैंक यू बड़े मां। कुछ बात बनी है? जी बड़ी अम्मी, उन्होंने 20 लाख का चेक दिया। बड़े कंजूस आदमी है वैसे, और अल्लाह ने भी किस जगह लाके खड़ा किया कि हम अपने ही पैसे भीख की तरह मांग रहे हैं। बड़ी अम्मी आप छोड़े ना इन बातों को, फिलहाल इन पैसों से काम चल जाएगा। आप बस ये दुआ करें कि नाइल का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। हाँ बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए और नाइल के लिए दुआएं किया करती हूँ, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। अच्छा तुम एक काम करो, थोड़ा सा आराम कर लो जाकर, फिर कल तुम्हें एक और इम्तिहान से गुजरना होगा। जी।
नाइल। बेटा जल्दी से ठीक हो जा। मामा बाबा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से ठीक हो जा मेरी जान। बाबा ठीक है, अभी आपने 20 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि नाइल के इलाज को 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। कब तक पैसे देते रहेंगे यूं? तो बेटा और क्या करूं, नाइल भी तो अपना ही बच्चा है। लेकिन ये मत भूलिएगा उसके बाप ने आपके साथ क्या किया, केस कर दिया था आपके ऊपर। हाँ, जब उसने ख्याल नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? बेटा फिर केस वापस भी तो ले लिया उन्होंने। बाबा मुझे तो समझ नहीं आती, आप हमेशा सबका भला चाहते हैं, लोग आपको वो अहमियत नहीं देते जिसका आपको हक है। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने बहुत कुछ सोचा। क्या मतलब? बेटा तुम्हारा बाप बूढ़ा हुआ है, ना समझ नहीं। बताऊंगा मैं तुम्हें, तुम बताओ मुमताज के घर का मौसम कैसा है? बर्फीला। मैं तो कहती हूँ जैन अली ने पहली बार जिंदगी में कोई अच्छा काम किया। तरीन के साथ तो होना यही चाहिए था। और फुप्पो, फुप्पो के साथ इतना कुछ हो गया लेकिन उनके मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई। कहती क्या है? क्या कहेंगे बाबा, सारा दिन ज़ैन अली को कोसती रहती हैं। बेचारे नाइल को बद्दुआएं देती हैं और नूरजहां चाची की तो पूछे ही नहीं, हर वक्त बुरा भला कहती हैं। बेटा तुम्हें याद होगा मैंने इसीलिए कहा था कि जब सामने वाला खिलाड़ी कमजोर पड़ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। मैं भी इसी चीज का इंतजार कर रही हूँ बाबा, बस मेरी बेटी हो जाए ना, पहली फुर्सत में ये घर छोड़ के मैं अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करो, वैसे तुम्हारा घर तो तकरीबन तैयार है। और आप बताएं आप ठीक हैं? और तुम चुपचाप गाड़ी से उतर के आ गई, मैं अगर होती तो थप्पड़ मार के आ चुकी होती। क्योंकि तुम मार सकती हो, मैं नहीं मार सकती। इसका क्या मतलब है तुम मार सकती हो? तुम क्यों नहीं मार सकती, तुम मेरी हेल्पलेस क्यों हो गई हो? Because I'm hopeless. There's nothing left for me. इसलिए मैं तुम्हें समझा रही थी, अजमाए हुए को अजमाने बैठ गई। मैंने बोला था सोच समझ के डिसीजन करना। लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ, दिल में एक आस थी जो पूरी हो। अब कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। अगर जैन ने 9 लाख की शर्त तुम्हारे सामने रखी थी तो मान लेना चाहिए था। शर्तों से बिजनेस बना करते हैं, रिश्ते नहीं बनते और ना ही चलते। तो आंटी से मांग लेती, 9 लाख इतना अहम नहीं है। अम्मी कभी दे ही ना देती 9 लाख, मैं जानती हूँ। उनकी तो जान फंसी हुई है 9 लाख। सॉरी टू से तुम्हारी अम्मी ने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, इतने खाते पीते खानदान से किस चीज की कमी है तुम्हारी फैमिली को? ये 9 लाख की सेशन मुझे समझ नहीं आती। ऑब्सेशन की बात नहीं, 9 लाख एक प्राइड है, एक जिद है, मना की बात है। हर कोई 9 लाख को अपनी मिल्कियत बनाना चाहता है, ये सोचे समझे बगैर कि इसकी कितनी बड़ी कीमत अदा कर दी है। अब तुम क्या करो, तुमने तो अहमद को स्ट्रेट आउट इनकार कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं एक वक्त में 2 किश्तियों में नहीं सवार होना चाहती थी। सुनो, मैं बात करूं उससे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। आर यू मैड? उसे नहीं पता कि ये बात मैंने तुमसे डिस्कस की हुई है। अगर तुम उससे ये बात कहोगी तो उसे 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी। तो तहरीन क्या करोगी तुम, इन लोगों के साथ तुम पूरी जिंदगी रह सकोगी जिनको 9 लाख तुमसे ज्यादा अजीज है? पता नहीं। यार डाटी इश्क आतिश, यार डाटी इश्क आतिश।
जैन अली के साथ इतना बड़ा धोखा किया आपने? मुझे यही उम्मीद थी आपसे, इसी घटियापन का मुजाहरा कर सकते थे और ये आप ही कर सकते थे सिर्फ। अब जो मर्जी चाहे कर लो, अपनी बीवी से नौलखा तक तो निकाल नहीं पाए तुम और मुझसे हिसाब करने चले हो। मेरा भाई सुनिया मेरी मेरा भाई। प्लीज वापस आ जाओ, बगैर नौलखे के आ जाओ भले, लेकिन प्लीज आ जाओ वापस। तो तुम्हें अब नौलखा नहीं चाहिए? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम होती और ना ये सारे मसले होते, ना तहरीम घर छोड़कर जाती और ना मेरा बेटा बीमार होता। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मैं कैसे भूल जाऊँ वो सारी बेइज्जती जो जैन अली ने मेरे से की, वो सारी ज्यादती जो उसने मेरे साथ की। आपसे रिश्ता है प्यार।